हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी ट्रांसफार्मर की क्लासेस चल रही हैं मशीन के अंदर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे हमारा टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि हमारे जो भी लॉसेस होते हैं उनको फाइंड करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आज हम एक और टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं जिसका नाम है पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ये टेस्ट हमें क्यों करना है। जैसे हमने ओपन सर्किट टेस्ट देखा था, तो हमने देखा था कि हमें क्यों ये जरूरी है, क्यों करना चाहिए। तो वैसे ही जो पोलैरिटी टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, ये हमें क्यों रिक्वायर्ड है, ये हमें क्यों जरूरी है। तो पोलैरिटी टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर का, ये हमें इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें क्या, जैसे जब भी हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। ओके, अगर हम मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि पैरेलल ऑपरेशन जो होता है, मतलब हम क्या करते हैं, एक साथ कई सारे ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग होती है या करंट रेटिंग होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती। क्यों? क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेजेस आर सेम। आपने पढ़ा होगा हमारा नेटवर्क सर्किट थ्योरी में कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंड करंट क्या होता है, हमारा डिफरेंट होता है। तो अगर हमें करंट को इंक्रीज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में क्या कर देते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब भी हमें क्या करना होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को बढ़ाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उन ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करने के पहले क्या करना पड़ता है, हमें उसमें पोलैरिटी टेस्ट करना होता है कि जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्ट हैं, उन सबकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो सेम पोलैरिटी से कनेक्ट हो। ओके, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो सेम पोलैरिटी से कनेक्ट हो, क्योंकि अगर वो डिफरेंट पोलैरिटी में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक सर्कुलेटिंग करंट जो होता है, वो सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये जो सर्कुलेटिंग करंट होता है, ये वेस्टफुल रहता है, ये किसी काम का नहीं रहता, ये अंदर ही अंदर ट्रांसफार्मर में क्या होता है, फ्लो होता है। इसलिए जब भी हम कोई कनेक्शन करते हैं, तो हमें उसके पहले उसको पोलैरिटी टेस्ट मतलब परफॉर्म करना जरूरी होता है, कि जो पोलैरिटी टेस्ट है ट्रांसफार्मर का, वो हम परफॉर्म करें और देखें कि जो हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं उनको जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो दो टाइप की पोलैरिटी होती है, एडिटिव पोलैरिटी और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। जो जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं वो हमारे सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में क्या होने चाहिए, हमारे कनेक्ट होने चाहिए, तभी हम उसको आगे यूज करेंगे। अगर एडिटिव पोलैरिटी में कनेक्ट करेंगे, तो हमारे लॉसेस वगैरह क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए हम पोलैरिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो पोलैरिटी टेस्ट की हमें जरूरत कहाँ पड़ी, एक तो हमारा पैरेलल ऑपरेशन में, कि जब भी हम क्या करते हैं, पैरेलल ही क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रांसफार्मर को, मल्टीपल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जब हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को, मल्टीपल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका पोलैरिटी टेस्ट करना पड़ता है कि वो सारे क्या है, एक फेज में कनेक्ट हो। जितने भी ट्रांसफार्मर में, अगर चार ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर रहे हैं, तो चारों का फेज जो है वो क्या हो, हमारा सेम हो, प्राइमरी में सेम हो और सेकेंडरी में क्या हो, हमारा सेम हो। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, जब हम पैरेलल ऑपरेशन, मतलब जब ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर जरूरत पड़ती है। या हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं, आपने पढ़ा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, अभी हम सिंगल फेज ही पढ़ा रहे हैं। तो जब हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, तीन सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, हमारा थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। तो जब हम तीन सिंगल यूनिट को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो तीनों यूनिट जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम फेज में कनेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, और अगर हमारा सिंगल ट्रांसफार्मर है, मतलब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, तो उसके लिए भी हम पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि ये दोनों जो हैं, इनकी पोलैरिटी क्या है, सेम है या फिर डिफरेंट है, क्या है हमारा। ओके, तो पोलैरिटी टेस्ट का हमारा ये काम है कि सबसे पहले उसकी पोलैरिटी को चेक करना, क्योंकि जब भी हम कनेक्शन करते हैं, तो वो सही पोलैरिटी में कनेक्ट होना चाहिए। अगर उनकी पोलैरिटी सही कनेक्टेड नहीं होगी, तो उसके कारण क्या होते हैं, हमारे फॉल्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ओके, तो ये हमने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लिया है। ओके, हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से होगा। इसको हम क्या करते हैं, एक ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करेंगे।
ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? एक हमारा सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। ओके, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, जैसे कि सिंगल फेज क्या है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, एक सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करेंगे हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। सपोज दिस इज वी वन, दिस इज वी टू, एंड दिस हम वोल्टेज इज वी। ओके, तो ये जो वोल्टेज वी वन है, ये वी वन वोल्ट मीटर है, ये यहाँ का वोल्टेज मेजर करेगा। वी टू वोल्ट मीटर जो है वो यहाँ का वोल्टेज मेजर करेगा। ओके, ये हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग मान ली सपोज हमने, ये और ये हमारी क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है। तो ये जो वोल्ट मीटर वी है, ये क्या करेगा, इन दोनों का वोल्टेज मेजर करके बताएगा। तो इफ अगर ये वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2 आता है, मतलब ये जो वोल्टमीटर है इसकी जो रीडिंग है वो इन दोनों वोल्टमीटर के सम के बराबर आती है, तो ये हमारी कौन सी पोलैरिटी कहलाएगी, हमारी एडिटिव पोलैरिटी। ओके, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे दोनों साइड के वोल्टेजेस को क्या कर दे रहा है, हमारा ऐड कर दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एडिटिव पोलैरिटी। मतलब ऐसे कनेक्ट है तो वो हमारा कैसे कनेक्ट है, हमारा एडिटिव पोलैरिटी में हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, कनेक्ट है। अगर हमने ये माना A1 है एंड दिस इज A2, ये हमारा प्लस और ये हमारा क्या है, माइनस है। ओके, तो अगर हमारा एडिटिव पोलैरिटी है हमारा, ओके, अगर हमारा प्लस माइनस इस तरीके से कनेक्ट है, एडिटिव पोलैरिटी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। इसको हम क्या नाम देंगे, A1, एंड दिस इज हमारा क्या हो जाएगा, हमारा A2। ओके, सॉरी, प्लस वाला यहाँ इसको नाम दे देंगे A2, एंड दिस इज हमारा क्या हो जाएगा, A1। तो जब भी हमारा एडिटिव पोलैरिटी होगी तो किस तरीके से कनेक्शन होंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर इस तरीके से हमारी बाइंडिंग क्या है, जुड़ी हुई है, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एडिटिव पोलैरिटी। ओके, दूसरा आप किस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर हमारा एडिटिव पोलैरिटी होगा तो हाई वोल्टेज बाइंडिंग और लो वोल्टेज बाइंडिंग यहाँ पे क्या होगी, ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट होगी। मतलब A2 किससे कनेक्ट होगा, A1 से, और यहाँ पे क्या होगा, A1 किससे कनेक्ट होगा, A2 से। ओके, A1 प्लस A1 किससे कनेक्ट होगा, माइनस से, यहाँ पे माइनस किससे कनेक्ट होगा, हमारा प्लस से। तो जब भी एडिटिव पोलैरिटी होगी तो हमारा कुछ क्या होगा, कनेक्शन इस तरीके से होगा। ओके, तो ये जो वोल्टमीटर है ये हम कैसा रखेंगे, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, इन दोनों के वोल्टेज के सम से थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए। सपोज V1 का वोल्टेज है 2 वोल्ट और इसका भी है 2 वोल्ट, तो V जो हम लेंगे उसकी हमारी एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 5 वोल्टेज, इतना हमारा कम से कम इसका क्या होनी चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। मतलब 2 वोल्ट 2 वोल्ट ये हो गया, तो हम इसको थोड़ा और ज्यादा रखेंगे, क्योंकि ये ऐड भी कर सकता है और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। अगर सपोज हमने ये 2 वोल्ट और 2 वोल्ट है और ये हमारा 3 वोल्ट का ले लिया हमारा, तो अगर ये एडिटिव पोलैरिटी होगा तो ये ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूज हो जाएगा हमारा। तो इसलिए इसको जब भी हमें प्रेफर करना है तो ऐसा लेना है कि ये क्या हो, इन दोनों की रीडिंग के सम के थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली क्या हो, ज्यादा हो हमारा। ओके, तो अगर एडिटिव पोलैरिटी आती है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, मतलब प्लस A1 माइनस A2 से कनेक्ट होगा, और यहाँ माइनस A2 प्लस A1 से कनेक्ट होगा। ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग का हमारा A1 किससे कनेक्ट होगा, A2 से, और ये यहाँ से हमारा क्या होगा, माइनस A2 किससे कनेक्ट होगा, प्लस A1 से। और ये याद रख सकते हैं हम कि माइनस प्लस माइनस प्लस आएगा तो कौन सी पोलैरिटी है, एडिटिव पोलैरिटी, माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ये हो गया हमारा एडिटिव पोलैरिटी। तो जब हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो एडिटिव पोलैरिटी में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। कौन सी पोलैरिटी में कनेक्ट होना चाहिए, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में। तो एक पोलैरिटी तो हो गई हमारी क्या, एडिटिव पोलैरिटी। सेकंड क्या होगी, यही हमारे दो वोल्टमीटर लगे हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग में और एक सेकेंडरी वाइंडिंग में। प्राइमरी का वोल्टेज V1 है, सेकेंडरी का V2 है, तो V इक्वल टू अगर क्या होगा, V1 माइनस V2। ठीक है, अगर V जो है वो इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है तो एक कौन सी पोलैरिटी हो जाएगी, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। ओके, अगर V इक्वल टू V1 माइनस V2 है तो एक कौन सी पोलैरिटी हो जाएगी, हमारी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो इस टाइम पे हमारा कनेक्शन कैसे होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस। ओके, तो ये कैसे होगा, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस और
माइनस, ये इस तरीके से कनेक्ट है। अगर माइनस प्लस प्लस माइनस तो ये कौन सी पोलैरिटी कहलाती है? सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी कहलाती है। ओके, तो माइनस प्लस, ये यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा ए वन और ये हमारा क्या हो जाएगा ए टू। तो अगर हमारा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है तो ए वन ए वन से कनेक्ट होगा और ए टू ए टू से कनेक्ट होगा। वही आपने देखा था जब एडिटिव पोलैरिटी थी तो ए वन ए टू से कनेक्ट था और यहाँ पे ए टू किससे कनेक्ट था? ए वन से, मतलब अपोजिट कनेक्ट था। और अगर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है तो सेम फेस में। तो हम जब भी पैरेलल ऑपरेशन पढ़ते हैं या फिर कोई भी, जब भी हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट करते हैं तो वो किस पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं? सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। अगर सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर है तो उनकी दोनों वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कनेक्ट होगी। अगर हम एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तीन सिंगल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से, तो वो जो तीनों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है वो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कनेक्ट होना चाहिए। या पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल ट्रांसफार्मर्स एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो भी वो सारे क्या होना चाहिए? सेम फेज में, मतलब सेम पोलैरिटी से कनेक्ट होना चाहिए हमारे। ओके, तो अगर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है तो किससे कनेक्ट होगा? ए वन ए वन से कनेक्ट होगा और ए टू किससे कनेक्ट होगा? ए टू से। और आप क्या याद रख सकते हैं? माइनस प्लस प्लस माइनस, इस तरीके से कनेक्शन होगा तो ये क्या कहलाएगा? सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। ओके, और अगर एडिटिव पोलैरिटी है तो क्या होगा? माइनस प्लस प्लस माइनस, ए वन किससे कनेक्ट होगा? ए टू से, और ए टू किससे कनेक्ट होगा? हमारा ए वन से। इस तरीके से हमारा कनेक्शन होगा तो एडिटिव पोलैरिटी कहलाएगी। ओके, इसको हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर से क्यों कनेक्ट किया है? क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? इसको वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड करा सकते हैं, इसलिए इसको हमने डायरेक्टली सप्लाई ना देके ऑटो ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट किया है, ताकि हम इसके वोल्टेज को क्या कर सकें? वेरी करें, कम कर सकें या ज्यादा कर सकें। ओके, तो पहले हम जब भी कनेक्शन करते हैं तो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं और देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो सेम पोलैरिटीज में कनेक्ट है या फिर नहीं है। अगर वो सपोज एडिटिव पोलैरिटी में कनेक्ट है तो हम क्या करेंगे? उनके कनेक्शन को चेंज कर देंगे, क्योंकि अंतर सिर्फ इतना ही है ना। अगर ये हमारा नेगेटिव पोलैरिटी सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कनेक्ट है तो माइनस प्लस प्लस माइनस है, और अगर एडिटिव पोलैरिटी में कनेक्ट है तो यहाँ पे माइनस प्लस है। तो अगर ये एडिटिव पोलैरिटी में सपोज कनेक्ट है तो हम इसके कनेक्शन को चेंज कर देंगे, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये किस पोलैरिटी में कनेक्ट हो जाएंगे? सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि हम क्या करते हैं? चाहते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन और फॉर कनेक्शन ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो ये था हमारा पोलैरिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम एक और टेस्ट बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे, बैक टू बैक टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, थैंक यू।